गृहरे किछि कार्यक्रम हेइ नै कोनोसी बिजनेस ट्रांजेक्ट हेइ नै केवल सप्लीमेंटरी बजेट दुई तीन मिनिट पई पढ़ी मंत्री होवाला भितर एवं यार मुख्य कारण हला गृह अचल हबार मुख्य कारण हला सप्लीमेंटरी बजेट छाड़ी अन्य कौनसी ऑफिशियल बिजनेस नाही आज पर्यंत सरकार कौन सी कार्यक्रम नथिला जदियो दैनिक पांच घंटा हिसाब रे विधानसभा चलो बोल स्थिर करा जाय थिला सरकार बोध हुए जानी सुनी तांको तरफ रु कौन सी बिजनेस रखि ना कौन सी कार्यक्रम रखि ना गृह आलोचना करने प्रथम दिन जितेबाला गृह चलला कांग्रेस दल तरफ रु लिखिकर दिया जे क्वेश्चन आवर एवं अन्न्य जहाँ सब कार्यक्रम अच्छी ताको बातिल करी बहु चर्चित संवेदनशील जघन्य ममिता मेहर हत्याकांड संपर्क में आलोचना करा जाऊ कौन सी पदक्षेप नेले नाही माननीय बाचस्पति जेतेबेले गृह आरंभ होला ओबिचोरी हला तापर पांच बजे जितेबाला सप्लीमेंटरी बजेट पास होगा जा पूर्वर माननीय बाचस्पति दृष्टि आकर्षण करागला जो चिट्ठी दिया एवं मोशन दिया आलोचना करने बाचस्पति कहवापी सुजोग दे परवर्त समय मुलतवी प्रस्ताव मान दिखाई बीजेपी दल आम भी देचु गत शनिवार दिन आम तरफ मुलतवी प्रस्ताव दि जाइला जितेबाला सरकारी बिजनेस किसी ना से समय विरोधी दल जो दे मुलतवी प्रस्ताव कि मोशन तापर आलोचना करा जाई पारी था किंतु सरकार एत भयभीत मन भितर एत भयर संचार से ताको सुनवाई मध्य प्रस्तुत नथिले अत जदिओ गृह काम बंद करदे आम सब बड़े कहतलु प्रथम रे आलोचना करा जाऊ ममिता मेहर हत्याकांड संपर्क एवं ताको करई देले नाही तो आम गृह मध्य भाग रे प्रतिवाद न करथिले मध्य गृह मुलतवी होता एटा आपण माने समस्त अल्प बहुत जानी एटा ओडिशावासी मध्य जानिबा कथा का मनरे संदेह रहिबा कथा नुहे जे विरोधी दल अचल करदेला विधानसभा को आम प्रतिवाद कलु आम दाबी कलु जे ममिता मेहर हत्याकांड संपर्क में आलोचना करा जाऊ तो आम तो आलोचना करने प्रस्तुत माननीय मुख्यमंत्री एवं तांकर दलर नेतृवृंद सब बड़े बाहस्फोट मरी था विरोधी दलर जेकोसी प्रश्न को आम उत्तर देवाई प्रस्तुत जो विषय कहे आम आलोचना करने प्रस्तुत एत बाहस्फोट मारूल छाती फुले कहूल आम जिते आलोचना करने कहलु से तुमको सन्नीपात कहीं भयर संचार कहीं एवं प्राय सब विधानसभा जेत गृह अचल हुए माननीय बाचस्पति डाकि था विरोधी दल को आलोचना करी विधानसभा चलैवापी एथर थरे मध्य डाकि नाथर मनोभाव जना पड़ी आगु गृह नेता जे माननीय मुख्यमंत्री से मध्य अनेक समय डाकुले से परंपरा अवश्य कमी जा नवीन बाबू मुख्यमंत्री हला किंतु गृह नेता कर्तव्य संविधान अनुसार गृह चलवापी एवं अचल हेले विरोधी दल को विश्वास को नहीं आलोचना करी उपाय खोजी था रास्ता बाहर करनेक समय सफल होती केत विफल भी होती से परंपरा को भंग करागला
दीर्घ दिन निरवता परे माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा को आसीना घर किसी वक्तव्य दे लेखा पढ़िले ना रेकॉर्डेड स्टेटमेंट बजेले ता स्पष्ट नथिला सी अभियोग कले विरोधी दल माने ममिता मेहर चरित्र संहार करुछंती राजनीति करुछंती गृह को चल दौना स्पष्ट करदेप मु चाहे आउ थ रिपीट करी विरोधी दल गृह चलवाई चाहूला विरोधी दल सब प्रश्न पचारे चाहूला प्राथमिकता देखा जोठ जोटा सबुठ संवेदनशील एवं जार प्रभाव सारा ओडिशा रे पड़ी ओडिशा जलुच्छे सरकारी जाशु कौन सी बिजनेस रखि नाई गृह बंद कर दे एवं से कहते विरोधी दल राजनीति कले मन पकईदे वर्तमान मुख्यमंत्री ओडिशा माननीय नवीन पट्टनायक उन्नीस अनेशत मसीह जानुरी मसरे से केन्द्रमंत्री थे से समय यह गोटे घटना घटी बहु चर्चित घटना घटी एफआईआर किए जा महिला पुलिस स्टेशन को कटक से ही जाते जदिओ साधारणतः मंत्री माने अर्थात सरकार थाना को जाए ना रिपोर्ट देवाई से केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो प्रोटोकॉल दृष्टि जीवा कथा नुहे से जाते ओडिशा बंद डाकरा देते से राजनीति नुहे से जहा करे राजनीति नुहे विरोधी दल संविधान अनुसार रूल्स ऑफ बिजनेस अनुसार काम कले से सस्ता राजनीति आमे राजनीति करुछु लोकंकर स्वार्थ पाई आमे राजनीति करुछु लोकंकर तरफ रु सरकार को प्रश्न करिवा पे किंतु से दलय राजनीति करथुले आज भी से दलय राजनीति करुछंती याको कांग्रेस दल निंदा करुची एभली मनोभाव माननीय मुख्यमंत्री परित्याग करंतु गृह को आसंतु माननीय मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड बांटिवापाई रेकॉर्डेड स्पीच तांको उपस्थित रे बजेवापाई विभिन्न अंचल को गस्त करुछंती गतकाली बोधे स्टेडियम को जाइथिले हॉकी मैच रे अतिथि हेबापाई सेठी कोरोना भय हो नै गृह को प्राय समस्त आसो मन में भय ना एवं गृह नेता मन में जी भय है कि आलोर जब गृह को आसिले ना ये दुर्भाग्यजनक आज भी समय अच्छी आसतु गृह को विरोधी दल को सामना करतु प्रश्नर उत्तर दिंतु एवं वर्तमान खाली गोटे प्रश्न आहरी बहुत गुरुतर कथा अच्छी आहरी बहुत गुरुतर कथा अच्छे चाषी मान समस्या अच्छी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलूना चाषी मान से समस्या अच्छी केंद्र सरकार जहाँ सब कला आईन करते से समस्या अच्छी ओडिशार स्वार्थ रक्षा करने दरदाम वृद्धिपी बेकारी समस्यापी यार भी आवश्यकता अच्छी आलोचना करने बागचाषी माने जो अपदस्थ होती विषय आलोचना करने एवं किमिति बीजेडी दल दुर्नीतिग्रस्त हत्याकारी लुणनकारी आश्रयस्थल आलोचना करने मन पड़ी विजु बाबू जो मुख्यमंत्री थिले से खबर पाइले जे तत्कालीन लोकपाल नोटिस देवाई जा से डाकिक समस्त कही उपस्थित थी लोकपाल नोटिस पाइले आमको इस्तफा देवाक हम आज लोकपाल नोटिस पाई
माननीय राजस्व मंत्री कहीं से तो इस्तफा देना दुर्नीति अभियोग नोटिस पाई यारे सालेपुर रे जड़े प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ताको पुलिस जमती बेखातिर मनोभाव देखा निर्देश पालन करूना ताऊपर कड़ा पदक्षेप नहीं मजिस्ट्रेट से तो मुख्यमंत्री चुप ममिता मेहर सबुआड़े चर्चा होता बेलू मुख्यमंत्री कहीं प्राय प्राय दुई मास चुप रे आईन ता बाटर जीव एक भी कही ना से हठात निद्र भंग होगा बोधे भाविले खबर दे किए एथेर सरकार पॉपुलैरिटी विश्वसनीयता कमी कमी जाऊँ से गोटे स्टेटमेंट आकार देले जोड़ा दुर्भाग्यजनक आउ थे कौच आम निंदा करुचु एवं सबुब सरकारी दल मंत्री माने भी कहते तुमर पाखे जदि कि प्रमाण अच्छी दि प्रमाण तो अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे ममता मेहर स्टेटमेंट बजा जा स्पष्ट भाव रे तार बापा कहते अंगुली निर्देश करुछंती राष्ट्र गृहमंत्री ऊपर को स्पष्ट भाव रे सेठिकार झियो माने महिला कर्मचारी मान को उपरे जहाँ होतला सब जौन व्यवचार होतला ता भी कहते सब बखाणी आ कौन प्रमाण दरकार खाली से नुहे किसी समय आपणकर नबी एवं किसी जोटा टेलीफोन कन्वर्सेशन रेकॉर्ड होती ताकू आपन को सुनाई देवी आपन से जानवे आउ को प्रमाण दरकार पुलिस केस रजिस्टर करी 302 मर्डर 201 प्रमाण नष्ट करिबा एवं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B आईपीसी ये कॉन्स्पिरेसी अनुसंधान कहीं ये कॉन्स्पिरेसी उपरे अनुसंधान मोटे ही नहीं वर्तमान सुधा जहाँ पुलिस तरफ कहु कि कोर्ट रेकॉर्ड रु जहाँ आम पाखे सर्टिफाइड कॉपी अच्छी दलील अच्छी कौथे भी नहीं जे कॉन्स्पिरेसी पार्टा जो थे संपृक्त मंत्री बोल कौ तार अनुसंधान कहीं होना जौन निर्यातना होता जो अरेस्ट होती एक्यूज तार आखि पड़ा झील मान कर्मचारी महिला कर्मचारी निर्यातित करे सहयोग कर स्पष्ट तापरे मंत्री प्राइवेट सेक्रेटरी एवं जी मुदाला से स्कूल कॉलेज जो मैंने काम पाठ पढ़ती सांगसाथी सांगे कथबार्ता ये स्पष्ट प्रमाण कर दे जो निर्यातन होता एवं जिते दूर अनुमान करा जहाँ प्रमाण आपत्त तो आम पाखे अच्छी मंत्री से संपृक्त थिले गोटे अंडरग्राउंड रूम अच्छी कॉलेज रे स्कूल रा प्रिंसिपल ममिता मेहर किंतु कॉलेज हॉस्टल रे से रहुथिले से पाखे गोटे गेस्ट हाउस अच्छी कॉलेज रो भित्री बाट अच्छी गेस्ट हाउस को जीवापी खाली से नुहे माटी तले अंडरग्राउंड रूम अच्छी जोटी सब प्रकार व्यभिचार होता एवं किसी मंत्री जहाँ मीटिंग मानक जड़े मंत्री से जाते कहते मुख्यमंत्री ये गोटे प्रिय कॉलेज थी
से कॉलेज को से भारी भल पाते गृह राष्ट्रमंत्री कहते ये कॉलेज को आसले युवक भाया मत लगे गोटे मंत्री महिला मान उपस्थित एभली वक्तव्य केत दिए कॉलेज को जन प्रशंसा कर पारे भल पाठ पढ़ाऊँ भल बिल्डिंग अच्छी आशातीत अनुकंपा देखा कॉलेज को जी ग्रांट दिखाई डब्ल्यू डी सी रु एम एल ए लेड रु कि अन्य सरकारी संस्था रु अन्य कौ कॉलेज से पैसा पाईना ये सब कौन प्रमाण दौना जे मंत्री संपृक्ति से थपे अनुसंधान एकांत आवश्यक अन्य मानकर संपृक्ति थपे कहीं कन्स्पिरेसी माने जड़े तो कन्स्पिरेसी करनी कि तार अर्थ नुहे कन्स्पिरेसी अर्थ अनेक लोक मिसिक हत्याकांड कर एवं पुलिस तार फॉरवर्डिंग रिपोर्ट मध्य लिखी जौन निर्यातना होता पुलिस फॉरवर्डिंग रिपोर्ट लिखी एवं पुलिस जाणीशुणी केस कला ना के गाँ थाना जोटा कलाहांडी जिलार एवं ये कन्वर्सेशन रु जना पड़ी से थाना ताकु रखिला ना एफआईआर कला ना कहीं कला ना एवं कन्वर्सेशन रु जोटा टैप कराई कहु जे सर गोटे मिसिंग रिपोर्ट थिला ता माने ये जो मुदाला गिरफ होई से जाई से फोन कर आगु तापर बस रे गला ममिता बाटरू पुणी से साहू मुदाला ताकु ता गाड़ी रे नला बाजार को गला सौदा हला तापर 12 बजे से कॉलेज रे पहुंचिला जदि 12 बजे 8 तारीख दिन अक्टोबर मास रो 12 बजे कॉलेज रे पहुंचिला ताले जीवा रास्तार हत्या केमती हला ममितार माँ मत निजे कहते मु 20 तारीख में प्रथम जे गली जे मो झ फोन करी कहला माँ मु पहुंची गली ता माने किडनैपिंग किमा एब्डक्शन जहाँ को आम कहूँ तार केस मुटे ना केवल हत्या उपरे प्रमाण जोगाड़ करा जाई कहीं किडनैपिंग जदि धारा लगे दिया जाए ताले बलांगीर आई पार ना दिस वाज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ़ द कॉन्स्पिरेसी जे केसटा बलांगीर जिलार हो कलाहांडी जिलार न हो ये भी दुर्भाग्यजनक एवं तापर के गाँ पुलिस कही तुम जाओ सिंदेकेला थाना को सिंदेकेला थाना रे के गाँव जिते बड़े एब्सकॉन्डिंग बोलिकी ना पता ही बोलिकी कह जा आउ गोटे पुलिस स्टेशन को आसीगला पर सिंदेकेला पुलिस स्टेशन को आसीगला पर झीर भाई जे रिपोर्ट देखे लिखाई जे चांदू तोरा जोटा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट भितरे से गाड़ी आसिक ये मुदाला ताकू नहीं गला किए देखी किए ताकू देखी तार भाई तो कहूने मुझे उपस्थित थी जदि से देखी जदि से देखी ताले 8 तारीख रे कहीं गिरफ्त करा गला नहीं मुदाला को ता माने पुलिस ताकू तैयारी करी अन्य किए लिखी ये दस्तखत दे तापर जत साक्ष्य प्रमाण निया जाई से समय ताकू आउ 366 दफा नहीकि 302 दफा पर केस चली कन्स्पिरेसी पार्टा को काटि देकर ये समस्त प्रमाण का ऊपर आधारित मुदालार बयान उपरे आईन कहूँ पुलिस आगे जो बयान दिया जाए थी से साक्ष्य प्रमाण हिसाब से ग्रहण योग्य नुहे स्पष्ट भाव आईन लिखाई किंतु जदि से दोष स्वीकार कर गिरफ्तार जदि दोष स्वीकार कर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट अनुसार
जदि से पुलिस को से जगह को नहीं थी प्रमाण देवाई तथ्य प्रमाण बाहर करदे जाटा प्रमाण हिसाब से ग्रहण योग्य पुलिस कहते 20 तारीख में गिरफ्त करागला 20 तारीख में गिरफ्त करागला 19 तारीख सब बाहर खार बाहर पोड़ा हाड़ बाहर सुना रूपा अलंकार बाहर पड़गला बैग बाहर ये जदि 19 तारीख अरेस्ट देखे था जदि कन्फेस कर एक्यूज एवं लीडिंग टू डिस्कवरी बोली जो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट अच्छी से अनुसार प्रमाण दे था कि से प्रमाण को नष्ट कर दिगला जाणीशुणी ता द्वारा मंत्री भी खसी जीव जेत ट्रायल हम से समय से साहू भी अरेस्ट आउ दंडित हेना एभली अनेक प्रमाण नष्ट कर सुना रूपा जदि अलंकार मिलला आईन अनुसार प्रॉपर्टी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हवा कथा टीआई पैरेड ताकू भी सुजोग दिगला ना ता पर लोक आगु देख दिगला जोटा करवा कथा नुहे तो प्रमाण भी नष्ट करदे प्रमाण सबू नष्ट पूर्वर मुख्यमंत्री तो शोले गृह राष्ट्रमंत्री शोले रुचि थे नष्ट हो गला छाती फुले गोटे पर गोटे बाहरी पड़े वर्तमान सब साफ तुमको आउ किए किसी करना अत पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक बाटे जाऊना पुलिस प्रमाण सब नष्ट कर पुलिस भूल तथ्य दौर पब्लिकली एवं आहुरी दुर्भाग्य पुलिस धमकईकरी हो कि गेन ओवर करी अन्य उपाय रे तार बाप भाई को भी नहीं गला जो मैंने हाईकोर्ट गोटे केस करमी केस मोर ओकलाती जीवन में मुझे देखी ना दिमास इन्वेस्टिगेशन जो 120 दिन में न सर ओडिशारे ताले मुदाला को जमीन दे दी जापर मर्डर केस से 120 दिन भी पूरी नहीं ये दौड़ी जा कहले अति शीघ्र तुम सारी दि एवं कहले विरोधी दल तर चरित्र संहार करद्वारा मन में कष्ट चरित्र संहार कौ विरोधी दल करना ममितार ताको बहादुरी देछि साबासी देछि से जेते धमकेला स्कूल कॉलेज मालिक को तोर पर्दाफाश कर देबी तू जदि एभली अनतिकर कार्य स्कूल कॉलेज करू ये कहा जाइछि किंतु पुलिस रेकर्ड देखिले किछिटा प्रमाण मिलुछि ममितार चरित्र संघार करिबा तार चरित्र संघार कला किए राज्य सरकार करुले पुलिस करूला धमकौला जहाद्वारा केस सरी जा नुआ जदि अनुसंधान करा न जाए इन्वेस्टिगेशन करा न जाए निरपेक्ष लोक द्वारा ताहले आज दिन में जहाँ एविडेन्स अच्छी मु भावुची वकिल हिसाब रे ये जे अरेस्ट हो से निश्चित भाव रे खलास हो निश्चित भाव रे खलास तापर आउ गोटे नाटक करागला ओडिशा सरकार चिठी लिखिले चीफ जस्टिस पाखु जे जो अनुसंधान वर्तमान चली एसआईटी नुहे वर्तमान जो डीएसपी अनुसंधान करुची ताकु जोने रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज तदारक करू सुपरभाइज करू जोने मॉनिटर बोल कर कही पारे मुताकु आउट के हल्का हिसाब से नौची कहीं मॉनिटर करिवार क्षमता रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रे नाही कहीं सारा जुडिशियल ऑर्डर हिसाब से है ना जुडिशियल ऑर्डर हिसाब से जब कोर्ट कर मुख्यमंत्री कहते कोर्ट ऑर्डर अरे कोर्ट बोले बुझा जाए सिटिंग जज रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को कोर्ट बोली कहा जाए ना रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हाईकोर्टर कर्तृत्व बाहर हाईकोर्टर कौन से कंट्रोल ना एवं जो समय गोटे पी आई एल पेंडिंग अच्छी
पीआईआर गोटे पेंडिंग अच्छी जुडिशियल साइड रे से समय एडमिनिस्ट्रेटिव साइड रे चीफ जस्टिस जदि ये ऑर्डर दे था देवा उचित नुहे बोली स्पष्ट करदे चाहे कहीं जुडिशियरी से गोटे भ्यू ने विचारपति हिसाब से केस विचार करेंगे दुई साइड को शुनि सारापर ये चिठी गोटे लिखिदेले से चिठी गोटे लिखिदेवे जो गोटे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को तुम्हें नहीं पार मॉनिटरिंग करने कि सुपरभाइज करने जो भी हो आमर दाबी बराबर होची एसआईटी माध्यम रे हाई कोर्ट मॉनिटर करू आउ अनुसंधान करा जाओ हाई कोर्ट आमे कहूनु रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज बोल के हाई कोर्ट माने सिटिंग जज किंबा गुडी जुडिशियल ऑर्डर जदि हाई कोर्ट जुडिशियल साइड रे दबो जेमते सुप्रीम कोर्ट यूपी केस रे देछि यूपी केस रे जोटा सारा भारत वर्ष रे चांचल्य सृष्टि करितला लखीमपुर सही जगार सुप्रीम कोर्ट कहते सीबीआई द्वारा ये केस अनुसंधान हो पार ना जोटा आम अन्य बंधु मैंने सीबीआई कहते आम ग्रहण करूनु एवं सुप्रीम कोर्ट निजे कहते सीबीआई द्वारा अनुसंधान ग्रहणीय नुहे गवर्नमेंट जो एसआईटी भी करथला ताको खारज करी सीनियर पुलिस अफिसर जाको विश्वास करा जाय पारे ताको एसआईटी गठन कले सुप्रीम कोर्ट एवं लिखिले जोने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज भी यूपी रो ता ऊपर भरोसा करा जाय पारिबो नाही ओते पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट रो जोने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज मॉनिटरिंग करिवे एसआईटी जोडा नियुक्ति करछि सुप्रीम कोर्ट सी अनुसंधान करिबो जा द्वारा न्याय पाई पारिबे आहुरी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा सुप्रीम कोर्ट कहिछंती जे इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी इम्पार्शियली और फेयरली ओनली डन इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट ओनली बी फेयर एंड फ्री बट इट शुड अपीयर टू द पब्लिक दैट इट इज फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल माने जनसाधारण विश्वास करिबा कथा जे अनुसंधान करुछि इन्वेस्टिगेशन करुछि जनसाधारण जदि ता ऊपर भरोसा नहीं ताहले से इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियली करि पारिबो नहीं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कर भर्सन किछि दिन तले अल्प किछि दिन तले लिखित जजमेंट देछन्थि सुप्रीम कोर्ट ताको कोन मुख्यमंत्री देखि पारले नै मुख्यमंत्री कर जदि दम थिला से अनुसार से कार्यानुसार नै थांते ये दुर्भाग्यजनक अते नारी समाज को जो हिसाब से निर्यातित करा जाउछि ओडिसा रे अधारु अधिका पॉपुलेशन निर्यातित होउछंती विभिन्न समय रे तांकु सुरक्षा देवा पई ओडिसार सम्मान रक्षा करिया पई नारी जाति को न्याय देवा पई ममिता को न्याय देवा पई आज कांग्रेस दल विभिन्न पदक्षेप नौची आगामी दिन में मध्य बाध्य नापी एवं आमर आशा आमे हाईकोर्ट मध्यम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन मध्यम ममिता को न्याय देवाई उद्यम करिबु एवं से उद्यम रे सफल हो आपण आता समस्या आहे आज आम्ही
ଗୋଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ପଠେଇ ଦିଅ ସବୁ ଯାକ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଶୁଣ ଏଥିରେ କନଭରସେସନ ହେଇଛି ଝିଅର ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଏବଂ ଏକ୍ୟୁଜ ହଁ ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ସେ ସାହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କନଭରସେସନ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମମିତା ମେହେରର ବାପା ଯେଉଁଟା ଟିଭିରେ କହିଲା ସେ ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଦରକାର ବୋଲି ବି ପଠେଇଦେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ତ ଯେବେ ହେଇଥିବ ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଏ 8 ତାରିଖରୁ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିନି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ମୁଦାଲାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସାହୁକୁ ସାହୁ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି ତ ଫାଷ୍ଟ କେଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଥାନା ରଖିଲା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଏବସ୍କଣ୍ଡିଂ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ 13 ତାରିଖରେ କିଡ଼ନାପିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅତଏବ ସବୁ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ଏକ୍ୟୁଜର ଅଛି ଇତିରେ କୌଶିକ ମେହେର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତାର ବଡ଼ ବାପା ଯେଉଁ ଅଛି କୌଶିକ ମେହେର ମମିତା ମେହେରର ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ବୋଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବୋଲା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପିଏସ୍ଓ ମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଛି ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲେ ଆମେ ଖୋଜିଦେବୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଝିଅ ରାୟପୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଫେର 8 ଦିନ 10 ଦିନ ପରେ ଝିଅମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଝିଅ ଧରନ୍ତୁ 8 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଯେତେବେଳେ କହି ବସିଲେ କି ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିବେ ଇଏ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଏ 8-9 ତାରିଖ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ମମିତା ମେହେର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଥ୍ରେଟନ୍ କରିଥିଲା କିଏ ଯାହା ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଦେବି ଏବଂ ପଶୁ କରିବି ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କହୁଛି କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ
ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଏବଂ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି। ଇଏ ସବୁ କଥା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ବିବୃତ୍ତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେଇଟା ସିଧା ସଳଖ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସିଏଲପି ଲିଡର ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲେ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପିଏସ୍ଓର କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ବି ସେ ନେଉଛନ୍ତି କି ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ଆସିବେ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେକ୍ସୁଆଲ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ 9 କ୍ଲାସ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକି ସିଏଲପି ଲିଡର କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ମମିତା ମେହେରର ବାପା କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଆସୁଥିଲେ ରାତି ରହଣି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକରି ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରହେ ଏବଂ ମୋର ଯବାନୀଟା ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ସିଆର୍ପି ଲିଡର ସେଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଠ ସେଠି ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କରଟା ଫେରି ଆସେ ବୋଲି ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥା ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆଜି ବି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ମମତା ମେହେରର ମର୍ଡର କୋତି ପାଇଁ ହେଲା, ସରକାର ତା ଉପରେ ବା ପୁଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର କଥା ଉପରେ ପୁଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଲିସ ସିର୍ଫ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ମର୍ଡର କେସ୍ ମମତାର 302-201-120B ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା 97 ପିଏସ୍ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା ତାର ଉପରେ ଯାଉନାହିଁ, 120B ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାଇଁ କର, କନ୍ସ୍ପିରେସି ନାଇଁ କର। ଆଚ୍ଛା କନ୍ସ୍ପିରେସିଟା କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆରରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସିଏଲପି ଲିଡର କହିଲେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବି ଯେଉଁଟା ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ ହେଲା 97 13 ତାରିଖରେ ତାର ଉପରକୁ ବି ସେ 366 ଉପରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛ ବୋଲି ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 201 ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସିଏଲପି ଲିଡର କହିଲେ ଏବଂ ପହଲା ବି କହିସାରିଛନ୍ତି ଥରେ କି ଯେଉଁଟା ଡିଜି ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ କି ପୁଲିସ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକୁଟଲ ହେବ ତା ଉପରେ ପୁଲିସ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ 120B ଉପରେ ଯେଉଁଟା କନ୍ସ୍ପିରେସି ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମମତା ମେହେରର ମର୍ଡର କୋତି ପାଇଁ ହେଲା, ମମତା ମେହେରର ମର୍ଡର କୋତି ପାଇଁ ହେଲା ତା ଉପରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଅଛି କି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବି ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। କୌଣସି ଦଳ ବିହେଭିୟର ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ହେବ, କିଛି କେସ୍ ହେଲାନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ କେସ୍ ହେବ, ମୁଁ କହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଓକିଲ ହିସାବରେ କଳାକର କିଣିବି, ଆଜି ତାକୁ ରିଏଫାର୍ମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ କୁହାଗଲା ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବିଷୟ ବି ରହିବ ସେଇଥିରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ଜଣେ ମୋତେ କାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଧ ହୁଏ ଏଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଦିଆ ହେଇନି, କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଗେଜେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ବି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଜଜ୍ ବୋଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ, ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍, ସେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ରିଟାୟାର କଲା ବୋଲେ କୋର୍ଟ ଥାଏ କି? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଯଦି ଜୁଡିସିଆଲ ସାଇଡ଼ରେ 4 ବଜେ ଫେର ବିଧାନସଭା ଅଛି କେସ୍ କେସ୍ ଶୁଣିକରି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପରା କୌଣସି ପକ୍ଷକୁ ନ ଶୁଣିକରି
ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଡର ଆପଣ ବୋଧେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଇଫ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡର ଇଜ୍ ପାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଫୋର୍ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଜୁଡିସିଆଲ ସାଇଡ୍